नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। चंदौली पुलिस ने टेक्निकल हेड हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए 6 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 4 शूटर इनामी बदमाश बताए जा रहे। गिरफ्तार शूटरों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में असलहे, जिंदा कारतूस के अलावा मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बता दें कि बीते 19 मई को मुगलसराय रेलवे यार्ड में ठेकेदारी पर काम कर रही एक कंपनी के टेक्निकल हेड को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एसपी संतोष सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान हत्याकांड का खुलासा करते हुए मीडिया के समक्ष पकड़े गए 6 अभियुक्तों को पेश किया। उप प्रबंधक सबन डे की हत्या उनके कार्यालय में हो गई थी। इस संदर्भ में अज्ञात सहयोग करने के लिए किया गया था, जिसमें स्वाट टीम टीवी सिंह के नेतृत्व में तथा थानाध्यक्ष इंद्र सराय के नेतृत्व में शिवानंद के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। टीम ने बड़ी परिश्रम से इस घटना का पूर्णतः अनावरण किया। अनावरण में एक तथ्य प्रकाश में आए कि राजेश डिब्बो सिंह, इन्होंने पहले वुमेन फैक्ट्री के प्रबंधक वुमेन लिमिटेड के प्रबंधक से मिला था और उससे स्क्रैप लेने के लिए बात की थी कि स्क्रैप को हमें बाहर भेजना है, हमें आप स्क्रैप दिया करिए। वो मालगाड़ी के डिब्बों की मरम्मत करते हैं और उससे जो स्क्रैप निकलता है उसको बाहर भेजते हैं, किंतु बोहरा जी ने इसको मना कर दिया था। बाद में 12 तारीख को वह पुनः आए और बोहरा से भेंट नहीं हुई तो सपंडे से भेंट हो गई। सपंडे वहाँ टेक्निकल के हेड थे, उन्होंने कहा हम आपको कदाच इसको नहीं देंगे। इस बात को लेकर के कहना चाहिए, इसी चीज़ को लेकर के इन लोगों ने प्लान देने इस कार्य को अंजाम दिया और सपंडे की हत्या पुलिस पास। थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत के निर्देश पर भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में प्रवेश हेतु तैयारी कराने के लिए गाजीपुर में 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रवेश में निःशुल्क कोचिंग क्लास का शुभारंभ ब्रिगेडियर एस ए रहमान ने दीप प्रज्वलन करने के साथ किया, जहां भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वह मिलिट्री स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। बता दें कि यह कोचिंग 23 जून तक चलेगी। इससे गाजीपुर एवं आसपास के जिले के सभी भूतपूर्व सैनिक जनसमुदाय में हर्षोल्लास व्याप्त है। वाराणसी में भेलोपुर स्थित एक स्कूल में बुधवार को वाराणसी शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध पर नियंत्रण विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं का कहना रहा कि धर्म नगरी में दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध यहां के पर्यावरण को खराब कर लोगों में दहशत फैला रहे, इसको नियंत्रित करने की योजना बनानी चाहिए, जिससे बढ़ रहे अपराध के अनुपात में नियंत्रण लग सके। मेरा नाम राजीव कुमार झा है। जी, किस तरह का संगोष्ठी है ये? संगोष्ठी है कि शहर में निरंतर लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अब पुलिस भी यहाँ हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं रह गई। शासन प्रशासन जो है मौन रहती है, शासन प्रशासन प्रयास करती जरूर है, किसी न किसी दबाव में आके शासन प्रशासन भी काम करना जो चाहती भी है वो काम नहीं कर पाती। विषय है शहर में बढ़ते अपराध पे नियंत्रण कैसे किया जाए, उसी पे हम कुछ विद्वानों को बुला के एक गोष्ठी कर रहे हैं। हम लोग आपस में तय कर रहे हैं कि कैसे एक समाज को संदेश दिया जाए जिससे ग्राफ हमारे जो अपराध का बढ़ रहा है उसको उस पर नियंत्रित किया। चूँकि ये बहुत पवित्र नगरी है, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और हम लोग की इच्छा ये है कि कम से कम उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो मॉडल के रूप में विकसित हो, यहाँ जो है जीरो अपराध हो, जिससे कि ये संदेश पूरे वर्ल्ड में पूरे देश में जाएगा, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी की गरिमा भी बचेगी, हम लोगों की भी गरिमा बचेगी, काशी की गरिमा भी बचेगी। हमारा बचपन संस्थान के बाल लीडरों ने वाराणसी विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास अधिकारी के समक्ष 3D पार्क का मॉडल प्रस्तुत किया, साथ ही उसकी उपयोगिता बताई। बता दें कि 3D पार्क में बच्चों के सुविधा अनुसार पानी, शौचालय, खेलने के सामान व स्थानों व संतुलित आहार की व्यवस्था है, जहां नौनिहालों का संपूर्ण विकास होगा। वहीं दोनों अधिकारियों ने इस मॉडल की सराहना की तथा इस पर अपने सुझाव दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़। नमस्कार।